Hi dear students, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about types of object. Dear friends, आज हम लोग object के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत previous video में हम लोग object के बारे में चर्चा कर चुके थे, उनका types भी जान चुके थे. आज हम लोग उनके types का definition, example और उसको किसी sentence में कैसे हम object को खोजें, इसका एक बेहतरीन trick जानेंगे. जिस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस में आसानी से ऑब्जेक्ट को खोज सकते हैं, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉग्निट ऑब्जेक्ट है, ये सभी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से किसी भी सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं. इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और मिस मत कीजिए. और जो रेगुलर व्यूअर हैं वो तुरंत कॉपी कलम निकाल के ही इस वीडियो को देखिए और उसे नोट डाउन करते जाइए. नए व्यूअर हैं तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने कुछ खास दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कर दीजिएगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आप लोग भी लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कर्म. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? प्रत्यक्ष कर्म. फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लिखिए, इफ द कंसीक्वेंट आर ए वर्ब इज डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्रिया का प्रभाव जिस पर सीधा पड़ता है उसे हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं. इफ द कंसिक्वेंट ऑफ ए वर्ब इज डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके फ्रेंड्स, तो आपको इसको डेफिनेशन समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी. तो देखिए, चलिए हम इसको सेंटेंस में देखने की कोशिश करते हैं और उसे फाइंड यानी खोजने की कोशिश करते हैं. जैसे दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा राम एक किताब पढ़ता है. राम एक किताब पढ़ता है. दोस्तों, इस सेंटेंस में आपको ये खोजना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट के टाइप्स में कौन सा ऑब्जेक्ट है. तो देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सामान्यतः वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. सामान्यतः वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. या अगर किसी हिंदी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के पहले क्या लगा दीजिए, क्या, और उससे जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. दोस्तों, जैसे देखिए, पढ़ना यहाँ मुख्य क्रिया है. पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया. इसके पीछे क्या लगाइए? क्या पढ़ता है? तो एक किताब पढ़ता है. एक किताब जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, यहाँ एक किताब क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. वे लोग, देखिए, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं. यहाँ मेन वर्ब क्या है? खेलना. इसके पीछे आप क्या लगा दीजिए? क्या लगाना है? क्या, क्या खेलते हैं? इसमें आंसर ढूंढिए, मिलेगा क्रिकेट. क्रिकेट की आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी किसी मेन वर्ब के पहले अगर आप क्या लगा देते हैं और उससे जो उत्तर प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. इस तरह आप किसी भी हिंदी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं. और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो तो ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी. तो हम जब आपको सेंटेंस कोड के माध्यम से ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा तो उस समय ये बहुत हेल्प करेगी. तो ओके, आई होप आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं आपका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं और वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
यानी सेकेंड सेकेंड पे लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसका भी डेफिनेशन बहुत ही आसान है, इफ द कंसीक्वेंट ऑफ ए वर्ब इज इनडायरेक्टली इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं इंग्लिश में, लिखेंगे इफ के इफ द कंसीक्वेंट ऑफ ए वर्ब इज इनडायरेक्टली इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन है, इफ एक कंसीक्वेंट ऑफ ए वर्ब इज इनडायरेक्टली इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी यदि किसी पर क्रिया का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। चलिए इसको आसानी से किस आइडेंटिफिकेशन भी है, अगर किसी हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट प्राणीवाचक हो तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके जैसे एग्जाम्पल में अगर देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, वह मुझे एक कलम देता है, वह मुझे एक कलम देता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ गौर से देखिए, तो प्राणी वह मुझे एक कलम देता है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मुझे और एक कलम, तो मुझे और एक कलम में प्राणीवाचक कौन है, मुझे, तो मुझे हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक कलम है वस्तु सूचक, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर हम इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रिक के माध्यम से कैसे खोजे, तो इसका एक सिंपल सा, सबसे पहले आप मेन वर्ब खोज दीजिए। मेन वर्ब यहाँ क्या है, देना। देना के पीछे आप किसको या किससे लगा दीजिए, दो सेंटेंस, पहले किसको से खोजिए, किसको से आंसर नहीं मिले तो किससे खोजिए, अगर ये दोनों से आंसर नहीं मिले इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके इसके पीछे लगा दीजिए, किसको देता है, देखिए आंसर आएगा मुझे, किसको देता है, मुझे, यानी देना, मेन वर्ब है देना, उसके पीछे लगाइए किसको, किसको देता है तो मुझे, तो मुझे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल पर चले, आप गौर से यहां देखिए, लिखते हैं वह तुम्हें मदद करता है। अब देखो वह तुम्हें मदद करता है, यहां देखो ऑब्जेक्ट है तुम्हें, एक तो पहचान है ये व्यक्ति सूचक है इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा यहाँ कर्ता है, कर्ता मदद करना मेन वर्ब है, इसके पीछे लगाइए किसको, किसको मदद करता है, तुम्हें, तो तुम्हें हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी आप किसी भी चीज को आसानी से क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने के लिए मेन वर्ब के पहले आपको क्या लगाना होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आपको मेन वर्ब के पहले किसको या किससे लगाना होगा। जैसे एक एग्जांपल करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यहाँ प्यार करना क्या होता है, मेन वर्ब होता है, उसके पीछे लगाए किससे प्यार करता है, तो तुमसे, तो तुमसे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह आप बहुत सारे हिंदी वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोज सकते हो, और ये जब खोज लोगे तो ट्रांसलेशन बनाना आसान हो जाएगा। ये बातें हम बार बार आप लोगों को कहते हैं। डियर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो, उसे समानता बहुत सारे ग्रामेटेरियन ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेता है, तो आप कहीं देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुम्हें का लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मान लिया जाता है। तो आई होप आपको आज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और कॉग्निट ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे, और उसमें भी हम ट्रिक के माध्यम से खोजना सीखेंगे, ठीक है। और ये जब खत्म हो जाएगा आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो उसके बाद आपका एक खास चैप्टर पढ़ाऊंगा सेंटेंस कोड, जिसके माध्यम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 गिनती 1 से 7 तक अगर आपको गिनती आती है तो ट्रांसलेशन आपको आता है।
ये मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। अब बहुत ही मज़ेदार वो टॉपिक होगी और बहुत सारे ट्रांसलेशन आप गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से ही बना लेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ मैं नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो, बाय।